शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसके अतिरिक्त सरसों के ऊपर भी हम चर्चा करना चाहते हैं, अखिलेश जी यदि आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, सरसों एक बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है रबी की ऑयल सीड्स में, और सरसों के ऊपर जो अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग व्यापारिक एसोसिएशन की जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अमूमन सरसों का जो पैदावार है वो 100 लाख टन से 110 से 115 लाख टन के बीच में बताई जा रही है। और ये भी गौरतलब है कि हमने चर्चा पहले भी की थी सरसों के ऊपर, और 24% की सरसों की अधिक बिजाई की भी बात हुई थी, और चूंकि पिछले साल सरसों ने तेजी के रिकॉर्ड तोड़े थे और ये 8200 भी अभी फरवरी के महीने में भी इसने देखी थी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ऑयल सीड हो, ये क्या फसलों की पैदावार पे ही सारा बाजार का रुख निर्धारित होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सितंबर के महीने के अंदर 119 लाख टन सोयाबीन की का पैदावार की सोपा ने खबर दी थी। भारतीय सरकार ने भी सोयाबीन के ऊपर अच्छी फसल की बात कही थी, और उसके बाद क्या हुआ कि बुरी तरह से अच्छी शानदार फसल होने के बावजूद सोयाबीन के भाव बहुत नीचे गिरे। और जब को हमने मार्केट टाइम्स टीवी पे अखिलेश जी आप ही के साथ इंटरव्यू करते हुए कहा था कि इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, इसके अंदर नहीं होगा गिरावट, और वही हुआ कि जिन्होंने माल नहीं खरीदा वो परेशानी में हुए। और दूसरा मैं उदाहरण आपको एक और देना चाहता हूँ, दूसरा उदाहरण ये है कि यदि आप कॉटन के ऊपर देखें, वही रबी की फसल थी, 3,61,00,000 गांठों का बेल्स का कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने CCI ने अपना वक्तव्य जारी किया था। अब बहुत शानदार फसल के अनुमान लगाया गया था, सारी जितनी भी एसोसिएशन हैं कॉटन की या कॉटन सीड ऑयल की या कॉटन सीड ऑयल केक की या ब्रोकर्स की, इन्होंने सबने एक मत में कहा था कि बहुत अच्छी फसल आ रही है और भाव गिर जाएंगे। आप देखें जब, और जबकि हमने विरोध करते हुए कहा था कि हम इससे सहमत नहीं है, इसके अंदर तेजी बनेगी अच्छी फसल के बावजूद भी, और आज आप देखिए लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ एक सुर के अंदर सोया के ऊपर और कॉटन सीड के ऊपर और कॉटन पर अपने लंबे चौड़े बातें कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जब फसल अच्छी है तो फिर इन दो सबसे बड़ी फसलों के अंदर तेजी क्यों आई। इसके अलावा आपको याद होगा आज से लगभग 40-45 दिन पहले NCDEX के ऊपर जब सरकार ने सोयाबीन की ट्रेडिंग पे या पाम ऑयल पे और सोया रिफाइंड पे रोक लगाई थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि धैर्य रखिए इससे कुछ नहीं होने वाला, और वही सोया तेल जो 120 रुपए पे बिक रहा था वो 1600 से ऊपर का बिका। तो पॉइंट ये है कि क्या फसल की अच्छी फसल गिरावट की तरफ इशारा करती है, क्या फसल की कमी गिरावट की तरफ इशारा करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कि इसके दूसरे फैक्टर्स जब तक आप नजर में नहीं रखेंगे आप सही आकलन और विश्लेषण नहीं लगा पाएंगे। यही मेरा सरसों के उत्पादक यानी किसानों को कहना है, सरसों के जो सरसों को एज ए रॉ मटेरियल प्रोडक्ट यूज करते हैं मिलर्स जो हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, और उपभोक्ताओं के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि फसल अच्छी होना या फसल खराब होना एक फैक्टर है सिर्फ, और जब तक बाकी फैक्टर्स को हम समायोजित नहीं करेंगे उसके ऊपर नतीजा नहीं आ सकता है। लेकिन क्योंकि आज होली का शुभ अवसर है, और हमेशा से ही मैं आपको होली है, दिवाली है, नववर्ष है, आपको कुछ विशेष आप सोचना है, विशेष विश्लेषण आप दर्शकों के लिए लेके आता हूं। सरसों के अंदर आने वाले
10-12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से सुनिए, सरसों के आने वाले आगे वाले 10 से 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। यहाँ पर सरसों की पिटाई हो सकती है, सरसों के भावों में गिरावट हो सकती है, और 20 दिन पहले के भाव, फरवरी के भाव अभी मुश्किल लग रहे हैं। तो सावधान रहें, जिन्होंने बहुत बड़ा स्टॉक करना है, जिन्होंने सरसों की बिकवाली करनी है, उनको सरसों की खरीदारी करनी है, तो आने वाले 8 से 10-12 दिन सरसों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर गिरावट की संभावना है। जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।